पहले आप ये साइन बोर्ड देखिए, इस पर लिखा हुआ है पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन क्लब्स। ऐसे बहुत सारे साइन बोर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे साउथ कोरिया के कई क्लब्स एंड रेस्टोरेंट के बाहर। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करी है जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा है कि उनको कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है साउथ कोरिया में सिर्फ अपने स्किन कलर की वजह से। साउथ कोरिया में सिर्फ इंडियन के साथ ही नहीं बल्कि अदर नेशनलिटी के लोगों के साथ भी रेसिज्म होता है। साउथ कोरिया की जो इमेज है दुनिया के सामने, वो एक डेवलप्ड नेशन के जिनका कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिच है और जो एडवांस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कोरियन बैंड है BTS जिनके दुनिया भर में बिलियंस ऑफ फैंस है। यहाँ तक कि इनका कोरियन ड्रामा दुनिया भर में हिट है। इवन स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर मोस्ट वॉच वेब सीरीज बन गई थी एक टाइम पर। पर साउथ कोरिया के एक दूसरी साइड भी है जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, और आज मैं उसी डार्क साइड पर एक लाइट डालना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता लगे साउथ कोरिया में कितना ज़्यादा रेसिज्म है। मैं हिंदू भी लिखा हुआ मोटर्स ने अपना एक बड़ा प्लांट लगाया है। अंदर कुछ 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स में केवल कोरियंस को जाने की इजाजत है, इंडियंस को जाने की इजाजत नहीं। तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 लोगों की स्टोरीज बताऊंगा जिन्होंने साउथ कोरिया में रेसिज्म फेस किया और उनका क्या टेक है इसके ऊपर। सबटाइल क्रेजी कोरिया नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने 22 दिसंबर 2022 को एक वीडियो अपलोड करी यूट्यूब पर जिसमें उन्होंने बताया कि साउथ कोरिया में कितना ज़्यादा रेसिज्म है। एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब गए थे पार्टी करने के लिए, लेकिन उनको एंट्री देने से गार्ड ने मना कर दिया था। और जब उन्होंने उनसे वजह पूछी कि उनको एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो, तो गार्ड ने बोला कि फॉरेनर्स इस क्लब में अलाउड नहीं है। और उन्होंने बाद में नोटिस किया कि कुछ फॉरेनर्स को वो अलाउ कर रहे थे उस क्लब्स के अंदर, सिर्फ इंडियंस को ही एंट्री नहीं दे रहे थे। फिर वो उनसे तंग आकर फिर थोड़ी सी और दूर गए और उन्होंने नोटिस किया कि कुछ क्लब्स के बाहर एक साइन बोर्ड में क्लियरली ये लिखा हुआ है पाकिस्तानीज एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन क्लब्स बिकॉज दे डोंट फॉलो द रूल्स। और ये देखकर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि तुमने ये सब क्लियरली क्यों लिखा है और हम इंडियंस को ही सिर्फ एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो। और सिक्योरिटी गार्ड ने अग्रेसिव वे में आकर उनको बोला कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, किसी और क्लब्स में जाके देखो, यहाँ तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सुनकर उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। और उस दिन उनको और ना ही उनको उनके दोस्तों को किसी भी क्लब्स में एंट्री मिली, लेकिन उन्होंने ये सारा सीन एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। पर ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग था उनके दोस्तों के लिए, क्योंकि वो इतने साल से कोरिया में रह रहे थे और ये पहली बार था कि किसी क्लब में पार्टी करने के लिए गए थे जहाँ पे उनको एंट्री नहीं दी गई सिर्फ उनके नेशनैलिटी, उनके स्किन कलर की वजह से। सेकेंड इंसिडेंट इनके साथ जब हुआ जब ये बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो एक सीट पर बैठे हुए थे, उनकी बाजू वाली सीट खाली थी और पूरी बस खचाखच लोगों से भरी हुई थी, लेकिन कोई भी इंसान इनके साइड में आकर नहीं बैठ रहा था क्योंकि उनकी ब्राउन स्किन थी और वो इंडियन थे और लोग जब तक नहीं बैठे जब तक वो सेकेंड स्टॉप पर आकर उतर नहीं गए थे। तीसरा इंसिडेंट इनके साथ जब हुआ जब एक स्टारबक्स गए थे, जब कॉफ़ी ऑर्डर करके अपने टेबल पर आकर बैठे तो उनके सामने एक आदमी बैठा हुआ था, तो उनको देख के एकदम शॉक हो गया और 2 कुर्सी छोड़कर वो साइड में जाकर बैठ गया। उनको ऐसा मानो ऐसा लगा कोई उनको भूत देख लिया हो। एंड ऐसा ही कुछ हुआ जब वो कॉफ़ी लेकर बैठे हुए थे तो कुछ लड़की इनके सामने बैठी हुई थी, जैसे उन्होंने देखा तो उनसे दूर जाकर बैठ गई थी और ये सारा सीन उन्होंने एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था। साउथ कोरिया में बहुत ही कॉमन है जब भी किसी इंडियंस को देखते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की स्किन कलर ब्राउन होता है और जब ब्राउन स्किन कलर के लोगों को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बना लेते हैं। और इन सब का वीडियो रिकॉर्ड करके सबटाइल क्रेजी कोरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला ताकि लोगों को पता लगे कि इन्होंने साउथ कोरिया में क्या फेस किया है। लेकिन शेम की बात यह है, ना ही साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया, ना ही किसी कोरियन सिटीजन ने इस पे सपोर्ट दिखाया और इसके बारे में बात करी। In Korea, as an Indian. Oh, so we are like kind of the minority, I would say, because we are not white, we are not black, we are like brown people. So it's kind of a little different because Koreans' reaction towards whites and like I'm not racist, I'm just saying how they refer to everyone to the brown people like us. It's kind of बबल्स इन कोरिया नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिस पर एक लड़की ने वीडियो अपलोड करी थी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। उस लड़की ने बताया जब वो एक दिन बाहर घूम रही थी तो कुछ लोग इसको घूर घूर कर देख रहे थे, बहुत ही अजीब सा लुक दे रहे थे। जब वो एक अंकल के पास से गुजरी तो उन्होंने कोरिया में एक कमेंट पास किया जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था, और उन्होंने बताया कि कोरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट है और लोगों के साथ रेसिज्म करते हैं। पर लोगों के साथ ही नहीं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में भी रेसिज्म होता है। आज इंडिया में साउथ कोरिया की 500 से भी ज़्यादा छोटी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारा वर्कफोर्स को यूज़ करती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। किया मोटर्स एक साउथ कोरियन कंपनीज है जिसकी एक मेगा फैक्ट्री है आंध्र प्रदेश के आनंदपुर शहर में।
द वायर ने 4 साल पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था इस फैक्ट्री के आसपास के रेस्टोरेंट में, और उन्होंने पाया जो लोकल्स लोग हैं उनको एंट्री नहीं दे जाते इन रेस्टोरेंट के अंदर, सिर्फ साउथ कोरियन ऑफिशियल्स ही इस रेस्टोरेंट के अंदर जाकर खाना खा सकते हैं। इवन वहाँ का जो स्टाफ है वो भी नेपाली है। प्रकाश आप कहाँ काम करते हैं? इधर ही काम करते हैं। आप इधर ही काम करते हैं? अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? और ये कितनी ही बेकार बात है, हमारे देश में आके ये फॉरेन कंपनीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है, रेस्टोरेंट बनाते हैं सिर्फ अपने ही लोगों के लिए, और लोकल्स लोगों को एंट्री नहीं दे जाती इन रेस्टोरेंट के अंदर। और ये शो करता है कि साउथ कोरियन लोगों में कितना ज़्यादा रेसिज्म है। इवन 2050 में UN ह्यूमन राइट्स कमिटी ने रिकमेंड किया था साउथ कोरियन गवर्नमेंट को एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाने के लिए, क्योंकि साउथ कोरिया में ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं है। अगर कोई भी इंसान रेसिज्म करता है तो उसको पनिश किया जाए, जैसा इंडिया में आर्टिकल 15। अगर इंडिया में कोई भी पर्सन किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, उसको पनिश किया जाता है अंडर आर्टिकल 15। पर कोरिया में लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता है कैफेज में, रेस्टोरेंट में, सबवेज में, बस में, और ये शो करता है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा रेसिज्म है। लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है। सबटल क्रेजी कोरिया एंड बबल्स इन कोरिया दोनों ने भी इस बारे में बात करी थी कि जो कोरिया में सिर्फ कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो लोगों के साथ रेसिज्म करते हैं, जो भयंकर रेसिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कोरियन है वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल, काइंड एंड हम्बल है। वो लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जब वो इंडियंस को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनकी मदद करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। पर साउथ कोरिया में कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो भयंकर रेसिज्म करते हैं दूसरे लोगों के साथ, इवन अपने लोगों के साथ। चलिए अब जानते हैं जो कुछ परसेंट लोग हैं वो इंडियंस को इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं। साउथ कोरिया में स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रोफेशनल जॉब चाहिए, ना कि लेबर वर्क। इसलिए जो कोरिया में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड हाउस क्लीनिंग का वर्क है उसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की, और इसी कमी को पूरा कर रहे हैं इमिग्रेंट्स वर्कर्स। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से वर्कर्स वहाँ पर जाते हैं उनकी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, जिनको साउथ कोरियन लोग लो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क समझते हैं। इसी वजह से कोरियन लोग इंडियंस को अनएजुकेटेड, अनहाइजीनिक एंड डर्टी समझते हैं, जो रूल्स फॉलो नहीं करते। उनको नहीं पता है हमारे कल्चर के बारे में, उनको नॉलेज नहीं है हमारे देश के बारे में, उनको नहीं पता है हमारे देश में कितना ज़्यादा रिच कल्चर है, कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और दूसरा कारण बनता है लैंग्वेज बैरियर। ना ही कोरियन लोगों को इंडियन भाषा आती है और ना ही हमारे इंडियन लोगों को कोरियन लैंग्वेज आती है। इवन आज इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा लोग कोरियन लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि वे कोरिया जा सके। कोरियन कल्चर ने आज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है हमारी इंडियन सोसाइटी में। कोरियन लोग सिर्फ इंडियंस को ही रेसिज्म नहीं करते, बल्कि जो अदर नेशनलिटी के लोग हैं उनके साथ भी रेसिज्म करते हैं, क्योंकि कोरिया में जो ब्यूटी है उसको टॉप पर रखा जाता है। अगर आप काले हो तो आपका कोरियन सोसाइटी में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, एंड उससे भी ज़्यादा मुश्किल है एक जॉब लेना, क्योंकि कोरियन सोसाइटी में ब्यूटी को हर दम टॉप प्रायोरिटी मानी जाती है। अगर आप सुंदर हो, आपका स्किन कलर फेयर है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में एक बेनिफिट मिलेगा और जॉब मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है जो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक मार्केट है कोरिया में वो सबसे बड़ी है, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही ब्यूटी एंड मेकअप प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और सुंदर दिखने के लिए। और जो प्लास्टिक सर्जरी रेट है पूरी दुनिया भर में कोरिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे 16 साल की उम्र से ही प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है जहाँ पे हर एक को परफेक्ट एंड सुंदर दिखना है, और यही उनका क्राइटेरिया होता है। अगर कोई उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होता है तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ कोरियन सोसाइटी में भी, एंड उसका रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है, और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है साउथ कोरियन सोसाइटी में। और चलिए अब जानते हैं कि इस रेसिज्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन है गवर्नमेंट एक्शन। जब भी ऐसे रेसिज्म इंसिडेंट देखने के लिए मिले तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले ऐसे लोगों के खिलाफ, एक प्रॉपर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया जाए ताकि लोगों को पनिश किया जा सके जो लोग रेसिज्म करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब कोई फॉरेनर उनकी कंट्री में आता है उनको एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना। आपने बहुत बार देखा होगा जब भी इंडिया में किसी भी फॉरेनर के साथ डिस्क्रिमिनेशन या लड़की के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होते हैं तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट उस इंसान के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं एंड उसको पनिश किया जाता है। इवन हमारे यहाँ के लोग सपोर्ट दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, आउटरीच इकट्ठा करते हैं ताकि उन फॉरेनर को जस्टिस मिले। हमारे इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है फॉरेनर्स के राइट्स को लेकर, और साउथ कोरियन गवर्नमेंट्स को भी ऐसा ही होना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन है कल्चर अवेयरनेस फैलाना।
ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्थ के लोग भी नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ इंडियन लोगों के साथ रेसिज्म करते हैं, और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट हैं उनकी लैंग्वेजेस अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, उनके रिचुअल्स हमसे अलग है, और लोग उनको जज करते हैं सिर्फ उनके स्किन कलर की वजह से। ऐसा ही साउथ इंडियन लोगों के साथ होता है, हम उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, उनका कल्चर हमसे बिल्कुल अलग है, उनके रिचुअल्स, लेकिन वो काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, और हम भी लोगों को कलर के बेसिस पे भी जज करते हैं। और वहीं अब कोरिया में बात करें तो कोरियन लोगों को भी इंडियन के कल्चर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, कितने एथनिसिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जो डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। और कोरियन लोग स्किन कलर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, और वो इंडियन लोगों को जज करते हैं ब्राउन स्किन कलर की वजह से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कोरियन लोग रेसिस्ट है, सारे कोरियन लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सिर्फ कुछ परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट है, जो लोगों के साथ रेसिज्म करते हैं, और वहीं पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोरियन वो काफ़ी हॉस्पिटाइल, हम्बल एंड काइंड है, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इंडियंस की, हमारे कल्चर की, वो सीखना चाहते हैं हमारे कल्चर के बारे में। बॉलीवुड सॉन्ग बजते हैं साउथ कोरिया में, उनको हमारा खाना पसंद है, वो इंडिया के बारे में सीखना चाहते हैं। बस जो कमी है वो है अवेयरनेस की, क्योंकि रेसिज्म अगर किसी भी सोसाइटी में होता है कलर के बेसिस पे, वो बहुत ही बेकार बात है। और हम लोग जब भी किसी भी देश में जाते हैं तो हमें उनके कल्चर और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पहचान होती है हमारी कंट्री से होती है, और हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे के कल्चर एंड ट्रेडिशन को अच्छे से रिस्पेक्ट करें, ताकि हमारे नेशन का नाम हो। और इसी रेसिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों तक पता लगे कि रेसिज्म कितनी बेकार बात है, और इंडियन के साथ साउथ कोरिया में रेसिज्म होता है, और पूरी दुनिया में हर सोसाइटी में कहीं ना कहीं रेसिज्म होता है, जिसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और लोगों तक, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को ऐसी मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।